श्री सुखबीर सिंह बादल अध्यक्ष शिरोमणि अकाली दल ने श्री चरणजीत चुन्नी के नेतृत्व वाली पंजाब की कांग्रेस सरकार पर बड़ी बयानबाजी करके राज्य की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। हालांकि सरकार पिछले 4.5 साल से पैसों की कमी का रोना रो रही है। श्री सुखबीर बादल ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि पिछले 4.5 साल से पैसे की कमी का रोना रो रही सरकार अब बड़ी प्रगति कर रही है। कौन जानता है कि जल्द ही आचार संहिता लागू हो जाएगी और पूरा बोझ आने वाली सरकार पर पड़ेगा। उन्होंने BSF का दायरा बढ़ाने के लिए एक बार फिर मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी और पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। पंजाब के नवे मुख्यमंत्री चन्नी साहब का बयान मैं सुनिया, कहिंदे साडा खजाना भरिया है, खजाना तो खाली हुंदा ही नहीं, ते 4.5 साल फिर क्यों कहिंदे रहे कि खजाना खाली है, असी कर्जा नहीं माफ कर सकते, असी पेंशन नहीं वधा सकते, असी मोबाइल फोन नहीं दे सकते, कुछ ना क्यों फिर इन्ना 4.5 साल क्यों किया। हुण जिहड़े ही फैसले करी जांदे आ उन्हां नूं पता है उन्होंने तो कुछ देना नहीं, देना तो अगली सरकार ने है, तो इस करके ऐलान करी चलो आह भी ऐलान कर दिओ। मैं चन्नी साहब नूं कहना चाहुंदा है पहले तुसी अपना फैसला कर लो अपने कि 4.5 साल तुसी क्यों क्या खजाना खाली। जे तुसी कहने हुण भी है तो फिर इमीजिएटली अगले महीने के अंदर जो मैनीफेस्टो दे कीते थोड़े कोल 2 महीने है, मोबाइल फोन भी दिओ, सारा कुछ कर्जे ही माफ करो, जो घर घर नौकरी भी दियो, ता थोड़ी क्रेडिबिलिटी है, नहीं तो झूठ ते झूठ बोलना बंद करो। नाले चन्नी साहब नूं मैं फिर तो कहना चाहुंदा है थोड़े कहन नाल कि सुखबीर सिंह बादल एनवायरमेंट विशिएट कर रहा है, चन्नी साहब जो धोखा तुसी दित्ता पंजाब दी सरकार पंजाब पंजाबियां ने, जो पिट से शुरा मरिया पंजाब दा, अद्धा पंजाब सेंटर दे हवाले करता अपनी मुख्यमंत्री बचाउण वास्ते, ए तो माड़ी गल कुछ नहीं होती। एडी गदारी अपने सूबे ना कीती है, मैं लगता कोई उन्होंने बख्शूगा नहीं। जायजा उन्होंने चिट्ठी लिख के सेंटर नूं मौका दिता कि वह सारा अद्धा पंजाब कब्जे च कर लैन। सरकार की जिम्मेवारी है, रिटन सरकार है, सरकार को इलेक्टेड गवर्नमेंट इज रिस्पोंसिबल, ओपोजिशन कैन ओनली स्पीक, पर गवर्नमेंट टॉक टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट। चन्नी ने कदों गया की हले सिद्धू साहब अपनी दूजी मिसाइल तैयार कर रहे हैं, मैं लगता किसी दिन दूजी चलूगी। मैं लगता कांग्रेस ने समझना नहीं, जदों तक उन्होंने सारा कुछ ढा दूगा सिद्धू साहब फिर ही उन्होंने अकल आऊगी कि यह मिसगाइडेड मिसाइल ने छड़ी जानी है मिसाइल। जम्मू कश्मीर को लेके हालात बड़े खराब हैं, आज भी काफी लोग वहां से वाइंड अप करके आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे सेंटर सरकार? आज सेंटर की जिम्मेवारी है, उन्होंने अपना सारा कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया है। अगर वो सारा कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया, उन्होंने स्टेट को यूटी बनाकर अपनी फोर्सेज डाल ली हैं, और ये लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी उनकी, अब क्यों हालात खबर रहे हैं, क्या नाकामी है सेंटर की? सर किसान बहुत परेशान है, कणक की बिजाई कर ली है पर DAP खाद नहीं मिल रही बहुत ज्यादा, क्योंकि पंजाब में सरकार नहीं है। सरकार होती तो ये अरेंजमेंट करते किसानों वास्ते। बादल साहब 2 महीने पहले DAP का स्टॉक लियांदे सी, इत्थे तो 2 महीने पहले कुर्सी की लड़ाई चल रही है। जिहड़ा इन्वेस्ट पंजाब डिपार्टमेंट ही इन्होंने वाइंड आउट करता, जिहड़ा डिपार्टमेंट बनाया सी, हुण की कर रहा चन्नी साहब ना रोज TV ते आउण वास्ते उन्हें फैसला किया कि घरों तो निकलना नहीं। इन्वेस्ट पंजाब 15-20 बंदे बुलाएंगे, उन्होंने कहेंगे ऐ कर बयान दियो धक्के नाल कि तुसीं 500 करोड़ लाऊंगा, कोई 5-7 करोड़ लाऊंगा, कोई किन्ने, फिर कहेंगे इन्वेस्टरों की मीटिंग की 30,000 करोड़ असीं अनाउंस करता। एंड ड्रामे 4.5 साल चन्नी साहब करते की रहे है, पैचवर्क करते रहे हैं। हुण पैचवर्क करा मुख्यमंत्री, जिहड़ा पैचवर्क भी नहीं करा सकता, वह कि सरकार तो इन्वेस्टमेंट लेके आऊगा चन्नी साहब की।